हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं इसके पापा के आने का और फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं अभी। को प्रीशा क्या कर रही है? बलून के साथ खेल रही है। और हर्ष तुम्हारे बलून अभी तक फूटे नहीं क्या बर्थडे के? कुछ कुछ बच गए हैं इसके बलून, हमने फोड़े नहीं है। तो प्रीशा खेल रही है उसके साथ। हले वाह प्रीशा, आपके ड्रेस से मैचिंग हो गया बलून और ब्लू ब्लू। कौन सा कलर है प्रीशा? ये प्रीशा ये कौन सा कलर है? ब्लू ब्लू। तो हर्ष के पास दो दो बैट हो गई है। एक उसकी बैट हमने दिलाया था उसको पहले ही बर्थडे गिफ्ट, और एक उसके बर्थडे पे उसके फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया है ना। तो हर्ष के पास दो बैट हो गई है। दो दो बैट का क्या करोगे हर्ष तुम? रेड वाली तो हमने दिलाया था हर्ष को, ये रेड वाली है। और बाकी इसके फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया बर्थडे पे। और प्रीशा क्या कर रही है? ये क्या है? और फ्रेंड्स ये रही वो बॉल। कितनी बॉल है? तीन बॉल आपके फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी। थ्री बॉल्स हर्ष के फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया और एक मम्मा ने दी थी। तो हर्ष के पास चार बॉल हो गई है, दो बैट हो गई है। अब हर्ष तो अच्छे से क्रिकेट खेल ही लगा है ना हर्ष? मैंने कल भाई वो एक बॉल। अच्छा तो हर्ष हर्ष तुम्हें क्या बनना है बड़े हो? क्या? क्रिकेटर। क्रिकेटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मुझे थोड़ा पार्लर में काम था तो अभी हम लोग वहीं निकल रहे हैं वहीं के लिए। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी रेडी है निकलने के लिए। और ये रही प्रीशा। प्रीशा रेडी है? हाँ चप्पल पहन लिया। इधर देखो इधर देखो, मम्मा शूज पहन लिया। इधर देखो प्रीशा घूमू जाए गाड़ी से। प्रीशा रेडी हो गई है और अभी हम चल रहे हैं बाहर है ना। प्रीशा ट्रेन कहाँ है? ट्रेन वाह ट्रेन तो अभी यहाँ से ट्रेन जा रही है और हम यहाँ पे रुके हुए हैं फाटक पे। और ये ट्रेन जब क्रॉस होगी तब फाटक खुलेगा है ना प्रीशा? प्रीशा को ट्रेन दिख गई। मम्मा जाया ट्रेन। जाया ट्रेन जा रही है। बोलो ट्रेन जा रही है। बोलो मम्मा आवाज करके जा रही है। चली गई। अब खुलेगा फाटक। मम्मा जाया। हाँ प्रीशा ट्रेन चली गई, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं है ना। पहुंच गए
और अब मैं जाऊंगी यहाँ से पार्लर और ये लोग जाएंगे सब्जी लेने, तो दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं फिर। तो मुझे हेयर स्पा लेना था, इसलिए मैं हेयर स्पा करवाने आई हूँ यहाँ पर मैं। और ये बहुत ही अच्छा पार्लर है यहाँ सूरतगढ़ में, यहीं पर मैं हमेशा आती हूँ और यहीं से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था अपने बालों का। तो इसलिए हेयर स्पा लेना बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के बाद, तो इसलिए अब मैं हेयर स्पा लेने आई थी। क्रीम एप्लीकेशन के बाद उन्होंने थोड़ी देर शावर कैप पहनाया था और इसके बाद अब ये स्टीमर ऑन करेंगे। तो ये देखो, ये स्टीमर ऑन हो गया और इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने 15 मिनट स्टीम लिया बालों में, क्योंकि क्रीम एप्लीकेशन के बाद में स्टीम लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो क्रीम अच्छे से बालों के अंदर तक जाती है। और ये मैंने कुछ 15 मिनट स्टीम लेने के बाद में फिर उन्होंने मुझे हेड मसाज दिया, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग था, बहुत अच्छा मसाज किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ये कि जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनके लिए ही होता है ये हेयर स्पा, तो कोई भी ले सकता है। और हर 3 महीने में हेयर स्पा करवाते रहना चाहिए ताकि बाल थोड़े अच्छे रहें, ज़्यादा रफ ना हो। ये देखो, ये मुझे हेड मसाज दे रहे हैं अभी, और ये हेड मसाज इतना रिलैक्सिंग था ना, मतलब सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं ये मसाज लेने के बाद, एकदम रिलीफ लगता है इसके बाद में। तो इसीलिए ये हर किसी को करवाते रहना चाहिए हर 3 महीने में एक बार, तो एकदम स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं और मस्त से हेयर स्पा हो गया है मेरा, और जो मसाज दिया है ना उन्होंने बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज थी। तो मैं हर बार वहीं पे जाती हूँ जब भी करवाना होता है, और मस्त अच्छे से अब टेंशन रिलीफ हो गया एकदम, क्योंकि वो जो हेयर स्पा में जो मसाज मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो चलो अब घर आ गई हूँ, अब डिनर वगैरह करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग का खाना पीना हो गया है और मैंने जो फ्रूट्स लेके आए थे, तो फ्रूट्स लेके आए थे, कुछ सब्ज़ी भी थी और फ्रूट्स भी थे। तो फ्रूट्स में ये लीची को हमने पानी में डाल के रख दिया है, और कीवी है, ये सब फ्रूट्स है, कल मॉर्निंग में खाएंगे इसको हम, है ना हर्ष? तुम्हें पसंद है, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को भी हमने काट के रख दिया है, अब हर्ष खाएगा वाटरमेलन कल। तो बहुत सारे फ्रूट्स, एकदम फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स लेके आ गए हम लोग आज। तो फ्रेंड जी, कुछ मैंने बनाया है। क्या बनाया है ये तुमने? ये वो ड्रोन होता है ना, आपने हैरी पॉटर की मूवी में देखा होगा, वो जो ड्रोन थे ना हैरी पॉटर के पास, जो सर्कल वाले जो ड्रोन था, है ना, वो बनाया मैंने। दिखाओ, ड्रोन तो नहीं लग रहा है, ये ड्रोन लग नहीं रहा है, लेकिन इसके पंख में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये इसके पंख है। ठीक है, आगे और ये क्या है बड़ा वाला? ये कार की जैसे चाबी होती है ना? दिखा अच्छे से। वाह, ये तो सही में कार की लग रही है हर्ष। और अगर हम इस ब्लू को दबाते हैं, इस ब्लू वाले ब्लॉक को, तो फिर हम इसको मतलब गाड़ी खुल गई है। और अगर हमें बिना कुछ बटन दबाए खोलना है कार को, तो आप देखो ये नकली बकली पर कार है, ठीक है, और उसका जो गेट का जो वो होता है, उधर की लगाने के लिए होता है ना, तो फिर मैंने ऐसे किया। गुड। मम्मा दिखाओ। अब पीछे ये क्या खा रही है? ये नहीं खाते हैं। इधर आओ, चलो खोल देंगे इसको। क्या है? तो फ्रेंड्स मैंने एक आपको चीज दिखाना भूल गया, ये ऐसा भी होता है। अरे वाह, ये तो अच्छा है, मैग्नेटिक की इसमें जॉइंट हो जाती है। नहीं, मैग्नेटिक नहीं है, ऐसी जॉइंट फिक्स हो जाती है और निकाल। बहुत अच्छा, कम हियर। What are you doing? Chote dum. Chote dum. जैसे कि फ्रेंड जी प्रोटेन में ना कार खड़ी है, और फिर मेरे को बिना कुछ करे गेट खोलना है, तो
ठीक है, बहुत अच्छा। हर्ष क्या खा रहे हो? हर्ष खा रहा है लीची। देखो इतनी प्यारी वाली, वाह यम्मी टेस्टी। तो फ्रेंड्स अभी हमने लीची खाई है तुमको? इतनी मीठी लीची है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। खा के देखो हर्ष। मैं तो खा लिया दो। कैसी लगी? टेस्टी। बहुत ही मीठी, बहुत मीठी एकदम। हमने ये एप्रिकॉट भी खरीदा है और ये अभी खा के देखते हैं कैसा है। ये वॉश है क्या? वॉश? हाँ तो पहले धो के आते हैं। मैं हर्ष क्या है ये पता है? एप्रिकॉट। एप्रिकॉट कैसा है? एप्रिकॉट मीठा है ना, बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स है इस बार। ये आलू जैसा लगता है लेकिन है एप्रिकॉट, फ्रूट है ये। और इसमें से बीज भी निकलेंगे। एक बीच में बीज होता है बड़ा सा इसमें। प्रीशा को खिलाओ। प्रीशा खाएगी? प्रीशा फ्रूट खाया? हाँ। कैसा था? मीठा, बहुत बहुत मीठा। बहुत मीठा था फ्रूट। हाँ टेस्टी। मम्मा खाओ। तो फ्रेंड्स मैंने ये कुछ बनाया है, ये कार की जैसे चाबी होती है वैसे ये बनाया है। और जो लोग ऐसे जब गाड़ी में जाके व्लॉग करते हैं तो वो बनाया है। दिखाओ कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा। वाह हर्ष इसका स्टैंड ये इसके ऊपर रखते हैं इसको। कैमरे कैमरा अलग भी हो सकता है। गुड, व्लॉगिंग कैमरा बनाया हर्ष ने विद स्टैंड। हर्ष अब इससे ही व्लॉग कर लेना ठीक है? इससे तो होएगा ही नहीं। फिर से तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।